रही है, वो वहाँ सामने रेन हो रही है उस जगह पे देखो इतना, ये देखो साफ साफ पता चल रहा बारिश हो रही है, वो बारिश हो रही है और इधर वो बारिश होती हुई आ रही है यहाँ पे, वो देखो वो बहुत दूर पे वो बारिश हो रही है। आज श्रीयम की मीटिंग है तो यहाँ पे आज श्रीयम अपनी मम्मा के साथ अंदर गए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि आज श्रीयम को स्कूल ड्रेस पहना के लेके आए जिससे कि ये अंदर जा पाए। हर बार क्या होता है वो ऐसे आता है दूसरी ड्रेस में आता है, स्कूल ड्रेस में नहीं होता तो अंदर नहीं जा पाता, तो अपनी बात नहीं कर पाता। तो आज हम लोगों ने डिसीजन लिया था कि इसको स्कूल ड्रेस पहना के लेके आए ताकि अपनी टीचर के सामने बोल सके इसको क्या प्रॉब्लम है और हम लोग भी सुन सकें। वहाँ पर टीचर रहेंगी, श्रुति है, उसके सामने श्रीयम बोले कि उसको क्या प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम लोग कंप्लेन करेंगे, यानी कि श्रुति वहाँ है वही कंप्लेन करेंगी और टीचर से बात करेंगे उस कंप्लेन को रिजॉल्व करने की। फिलहाल हमारी ये इच्छा है और हम लोगों की इच्छा ये है कि श्रीयम को थोड़ा आगे की सीट मिले, क्योंकि इसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़े हैं इससे उम्र में, और एज वाइज मुझे लगता है कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की थोड़ा सा एज कम करा लेते हैं। तो श्रीयम की क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि हाइट में श्रीयम से ज़्यादा हैं और मतलब उनकी बॉडी देख के लगता ही नहीं कि वो 7 ईयर के हैं, वो ऐसा लगता है 8 या 9 ईयर के बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे ना काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, तो इन कम्पेयर टू श्रीयम वो बच्चे बड़े ऐसे वो आगे बैठ गए, श्रीयम पीछे बैठ गए तो उन्हें ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता। तो ये हम लोग की मेन कंप्लेंट है जो हम लोग आज करेंगे टीचर से, और चाहेंगे कि श्रीयम को आगे बैठाया जाए जिससे कि उसे ब्लैक बोर्ड देखने में कोई कठिनाई ना हो। उसके अलावा कंप्यूटर टीचर से भी बात करनी है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जाते हैं तो श्रीयम को चांस नहीं मिल पाती है, श्रीयम को आता है बट वो कर नहीं पाता, तो टीचर को लगता है शायद ये कर नहीं पा रहा। तो हम लोग ये बात करेंगे कि वो कहता मुझे चांस नहीं मिलता, तो कितने बच्चे हैं एक कंप्यूटर में, 2 बच्चे बैठते हैं तो अगर 25 बच्चे हैं तो 13 कंप्यूटर होने चाहिए क्लास में, अगर नहीं है तो ये स्कूल की फॉल्ट है ना, बच्चे के तो सारे कंप्यूटर मिलने चाहिए, कितने भी बच्चे हैं ये कंप्यूटर अवेलेबल कराना तो स्कूल और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे वहाँ पर, और भी थोड़ी बहुत कंप्लेंट हम लोगों की है और कुछ टीचर्स ही होंगी, तो देखते हैं। छुट्टी गई है फिलहाल वो रिजॉल्व करने, वो रिजॉल्व हो ही जाएंगी जब वो गई है। मैं फिलहाल कार में बैठा हूँ अपना, वेट कर रहा हूँ उनके आने का, और इनके पहले श्रीयम ही आ जाएंगे मेरे पास में, तो उनको लेके हम लोग देखते हैं पूछेंगे। अभी श्रीयम आएंगे तो पूछते हैं उनसे क्या क्या उन्होंने अंदर किया क्या नहीं किया, तो वेट करते हैं उनके आने का फिलहाल। और कर भी कह सकते हैं हाँ, आज आने पहले बोल लेते कि मुझे लूलू मॉल जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे तो फंचुरा गए थे हम लोग, बट 9 बजा था तो फंचुरा ओपन नहीं हुआ था, लूलू मॉल तो ओपन हो गया था बट फंचुरा नहीं ओपन हुआ था, इसलिए कोई फन राइड नहीं कर पाए। तो आज उन्हें एक फन राइड भी करानी है एज प्रॉमिस, उन्होंने घर से ही प्रॉमिस कर लिया था कि मुझे जाना है। तो अभी 10:30 हो रहा है तो फंचुरा ओपन हो जाता है 10:30 तक, तो आई होपफुली कि आज इनको एक फन ड्राइव जरूर मिल जाएगी।
इसमें जाओ बेटा, राउंड रूम में जाओ। कहाँ कौन सा करना? वहाँ पे वहाँ क्या चलोगे बेटा? सेकंड फ्लोर जाना है, वहाँ क्या देखोगे बेटा? जो भाई टीवी हो गया वो You want go in this? CM? Decide to कहाँ जाना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो कि आओ ठीक है CM, ये देखो देखो तो hunting, आओ hunting, ये भी hunting देखो ना। अभी नहीं बेटा है, यू वांट दिस बेटा? अभी रुक जाओ, हाँ ये तुम कर लो, ये ज़्यादा सही है बेटा। इधर सुनो सीएम, ये देखो सीएम, वो जो बाइक है ना ये भी तुम्हारे लिए नहीं, यू आर वेरी स्मॉल है, थोड़ा बिग हो जाओ, ग्रोन अप हो जाओ ना, देन प्ले करना। अच्छा अभी ये वाला भी नहीं कर पाओगे, देखो अभी आपका लेग नहीं पहुंचेगा वहां तक ना, अभी देखो इतना बड़ा है बच्चा तब कर रहा है, अभी आप बहुत छोटे हो। अच्छा हम लोग नीचे वाली में करते हैं, जब थोड़ा यहाँ जाके तुम्हें जंप करना होगा वॉलीबॉल, वहाँ तुम ऊपर, अभी वहाँ देखो वो कितना हाइट पे बेटा, अभी आप वहाँ पे भी नहीं बॉल डाल पाओगे, थोड़ा जब बिग हो ना तब आना बेटा, तो तुम्हारे लिए है हमेशा जैंट इंट्री, अभी कहाँ कर पाओगे, तो बिग बच्चों के लिए ना, हम लोग डाउन में चलते, वहाँ स्मॉल बेबी वाला वो करो, अभी जब तुम ग्रोन अप हो जाना देन हम लोग करेंगे ठीक है, फिर पाओ शिलम साथ साथ ठीक है बेटा। वो तो है ही है, ये तो कहीं जाएगा थोड़ी, बस तुम जल्दी से ग्रोन अप हो जाओ, फिर करना कि ये चलना यहाँ पे, इसमें तो बहुत ही बेकार है बेटा। रुको रुको हम तुम्हें दूसरा कहते हैं, ये अलग करना है, यू वॉन्ट डू दिस? देखो लेग नहीं पहुंचा। अच्छा प्रेस करो, दोनों प्रेस करो, दोनों बहुत लेग से करो दोनों, लेट मी सी, देखो अभी नहीं पहुंचा बेटा, अभी आप छोटे हो, आओ थोड़ा ग्रोन अप हो जाओ फिर प्ले करना बेटा, ये तो तुम्हारे हाउस के पास में ही है सब चीज़ें ना, देखो कितने बड़े बड़े अंकल लोग कर रहे हैं, देखो ये देखो देखा, थोड़ा ग्रोन अप हो जाओ फिर करना, या आई थिंक पा के साथ यू कैन डू है, रुको लेट सी 100, मुझे आज कर लो, देखो तुम्हारे लेग पहुंच रहे, देखो वहाँ पे देखो इसमें भी नहीं पहुंच रहे बेटा, अभी नहीं पहुँचेगा, आपको दिखेगा नहीं बेटा, हम बैठ गया तो कर सकते ना, यू वॉन्ट डू दिस? इधर देखो बेटा करना है। अच्छा रुको रुको रुको, हम करते हैं एक मिनट, होल्ड करो, मुझे कार्ड निकालने दो, मी टैप, हाँ है ना, ये रिस्ट्रा करना रेड बटन से बेटा, हाँ ये प्ले करो ऐसे, और ये वाला भी रेड बटन इधर वाला राइट हैंड का, जल्दी करो, कम ऑन गो दिस वे, ये फोर्थ देर, चलो प्रेस करो बटन से, हाँ ऐसे ऐसे फायर करते रहो बेटा, इधर चलो, ये सारी बिल्डिंग तुमने गिरा दी, सब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हो बेटा, हाँ इधर चलो चलो चलो, ये बात तो सही, हम लोग गेम प्ले करेंगे, बट दिस इज ए डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग बस, सो आई थिंक दिस इज नॉट गुड गेम फॉर यू ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं प्ले करेंगे इस गेम को, क्योंकि इससे आपको डिस्ट्रक्टिव माइंड बनाएगा ये गेम आपको, तो ना कि कॉन्स्ट्रक्टिव, लेट्स प्ले सम अनदर गेम ठीक है, चलो लेट्स गो, देखो पहुंचेगा वहां तक, देखो तुम्हारा हैंड पहुंच रहा, पहुंच रहा है ये भी भैया, आप कह सकते ना बच्चों को, हाँ जी बहुत छोटा है अभी, मानते हैं अभी हमने ये प्ले करना है ठीक है, अभी पढ़ते हैं, चलो लेट्स प्ले फाइव गेम, देखो भैया आ जाओ बेटा, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, देखो हाँ हमें
आ जाओ सीएम का बिल्कुल। प्लेस आया बेटा हम लोग ये आई थिंक ये बाइक का गेम जो हमने खेला काफ़ी दिन बाद काफ़ी अच्छा था। फिलहाल सी एम एट्थ पोजिशन पर है, फर्स्ट टाइम खेला उसके हिसाब से एट्थ पोजिशन जीत की। चलते नेक्स्ट गेम पे। तो सी एम वहाँ सीट हो रहा है लेकिन फ्रंट पे नहीं सीट हुआ है। सी एम और उसका एक फ्रेंड मिल गया बियान, वो फ्रंट की बोगी में नहीं सीट हुए दोनों, वो खाली रह गई इस पर बैठे थे। चल पड़ी है श्याम 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 बेटो अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है अब तो छोड़ दो, अब देखो तुम्हारे लिए हम लोग ये अलग पिज्जा ले रहे हैं। ठीक है जी स्क्राइब कमेंट करिए।